Hello, friends. Shall we start? Okay. Yesterday, we have done one question. Total number of uh, homozygous plant, double homozygous. टोटल डबल होमोजाइगस टोटल डबल होमोजाइगस इन डायहाइब्रिड क्रॉस टोटल डबल होमोजाइगस इन डायहाइब्रिड क्रॉस विथ रेस्पेक्ट टू With respect to round, with respect to round and yellow, yellow seed and wrinkled and green seed, wrinkled and green seed. So, this should be the complete question. This complete question. Ho gaya. Okay. What is the question? dihybrid cross F2 generation.

एंड रिंकल्ड ग्रीन राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन इसके लिए कितना है आप कुछ स्ट्रेंट बोल रहे हैं कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई इट इज ऑल्सो डबल होमोजाइगस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई इट इज ऑल्सो डबल होमोजागस कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई इट इज ऑल्सो डबल होमोजाइगस स्मॉल स्मोल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई इट इज ऑल्सो डबल होमोजेगस आई बात समझ नहीं ये राउंड येलो के लिए होमोजाइगस हो गया ये राउंड एंड येलो के लिए होमोजाइगस हो गया ये रिंकल्ड और ग्रीन के लिए होमोजाइगस हो गया ये राउंड एंड ग्रीन के लिए होमोजाइगस हुआ ये रिंकल्ड और येलो के लिए होमोजाइगस हुआ अब आया समझने लेकिन हमें क्या मालूम करना है टोटल डबल होमोजाइगस इन डायब्रिड विद रिस्पेक्ट टू राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन ये देखना आप ये नहीं देखना चाहिए जस्ट अगर आपको टोटल डबल होमोजाइगस पूछा है तो फोर बाई सिक्सटीन मान लेना पड़ता आंसर क्योंकि ये भी डबल होमोजाइगस है ये भी डबल होमोजाइगस है तो इसका आंसर क्या लेना चाहिए ये टू बाई सिक्सटीन है इसका आंसर टू बाई सिक्सटीन ठीक है ये एक डाउट था चलिए अब हम जो है आज की टॉपिक पे आएंगे एक डाउट था ये कल का ओके तो मैं आज जो है आपको टॉपिक जो करने वाले हैं हम आज कंटिन्यू करेंगे दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस डायहाइब्रिड क्रॉस कल करें हम डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्वेश्चंस भी किए हम राइट और एक चीज याद रखना चाहिए मेंडल प्रपोज्ड मेंडल प्रपोज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डेंट असार्टमेंट आफ्टर हिज डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट दिया था आफ्टर डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल हेज गिवन टू लॉज लॉ ऑफ डॉमिनेंस एंड लॉ ऑफ एग्रीगेशन आफ्टर मोनाहाइब्रिड क्रॉस लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कब दिया है मंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद

फवन हाइब्रिड ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या था जरा बताइए यफ वन हाइब्रिड ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस क्या था यफ वन हाइब्रिड ऑफ डाई क्या था बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये था राइट दिस इज दफ वन हाइब्रिड ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस इट विल मेक हाउ मेनी गैमेट्स फोर टाइप्स ऑफ गैमेट तो ये फोर टाइप के जो गैमेट बनते हैं वो कैसे बनते हैं इंडिपेंडेंट असॉटमेंट से बनते हैं इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इंडिपेंडेंट चॉइस जस्ट लाइक यू आर हैविंग चॉइस यू कैन मेक फ्रेंडशिप ऑफ योर चॉइस इंडिपेंडेंट कोई इसमें फोर्स नहीं है है ना इंडिपेंडेंट चॉइस इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कर सकते हैं तो यहां पर आर के पास चॉइस है इट कैन गो विध कैपिटल स्मॉल आर कैन गो विथ स्मॉल वाई दिस इज इंडिपेंडेंट असॉटमेंट खत्म यही है इंडिपेंडेंट असॉटमेंट यही है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट समझने आ गया आपको आप लिखते बैठे तो मुश्किल है वो लॉन्ग हो जाता है एक्सप्लेनेशन क्या होता है एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट या फ्रिड्रिड क्रॉस फोर टाइप्स ऑफ गैमेट कैपिटल आर फॉर राउंड सीट शेप कैन एंटर इन टू द गैमेट अलॉन्ग विथ कैपिटल वाई फॉर येल्लो सीट कलर और इट कैन एंटर विथ स्मॉल वाई फॉर ग्रीन सीट कलर दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असार्टमेंट

सिमिलरली स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकता है स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकता दिस इज वॉट इंडिपेंडेंट असॉटमेंट आ गया समझने क्या लिखेंगे इंडिपेंडेंट असॉटमेंट में लिखिए पहले इतना लिख लीजिए क्रॉस ये तो मालूम है आपको यहां तक बिलो दिस यू कैन राइट बिलो दिस यू कैन राइट स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट असॉटमेंट का स्टेटमेंट क्या है इंडिपेंडेंट असॉटमेंट का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कैपिटल आर अलिल कैपिटल आर अलिल Capital R allele may enter into the gamete, may enter into the gamete, may enter into the gamete either with capital Y, either with capital Y or with small y, or with small y. Similarly, Similarly, small r allele, small letter r, small r allele may enter into the gamete, may enter into the gamete either with capital Y or with small y, either with capital Y or with small y. आप बोलेंगे ये तो बहुत आसान हो गया इंडिपेंडेंस हम कुछ भी नहीं है चॉइस है यहाँ पर इंडिपेंडेंट चॉइस सिंपल में बोलना रहा तो कैपिटल आर के पास चॉइस है इट कैन गो विथ कैपिटल वाई और इट कैन गो विथ स्मॉल वाई दिस इज इंडिपेंडेंट चॉइस तो ये हो गया इंडिपेंडेंट असॉटमेंट लेकिन जो काम की चीज है यहां पर एक्सेप्शन पढ़ना पड़ेगा आपको एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कब नहीं होगा कब होगा कब नहीं होगा अब बात चल रही है कब नहीं होगा एक्सेप्शन टू दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट वॉट इज द एक्सेप्शन टू दिस लॉ यस एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट इज लिंकेज क्या बोलना चाहिए लिंकेज बोलना चाहिए आप बोलेंगे सर ये नहीं समझने आया हमारे को लिंकेज क्या है लिंकेज क्या मतलब वेन जीन्स आर सिचुएटेड ऑन सेम क्रोमोजोम वॉट इज लिंकेज द जीन सिचुएटेड ऑन सेम क्रोमोजोम दे आर कॉल्ड लिंकेज फॉर एग्जाम्पल एक जीन है समझो यहां पर आर जीन है वाई जीन है और स्मॉल आर जीन है स्मॉल वाई जीन है सेम क्रोमोजोम पे है जो जीन सेम क्रोमोजोम पे होते हैं ना उनको हम लिंक्ड जीन्स बोलते हैं एंड द फेनोमेना इज़ लिंकेज द जीन एसोसिएटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम लिख लीजिए पहले मीनिंग लिख लीजिए लिंकेज का द जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोजोम the genes located on same chromosome are called linked genes are called linked genes and they have and they have more tendency of and they have more tendency of inheriting together and they have more tendency of inheriting together As one unit, as one unit, as one unit. मतलब अगर जीन सेम क्रोमोजोम पे हैं, तो इनके पास कोई चॉइस नहीं है इनको साथ में रहना पड़ेगा समझ में आ गया जो जीन सेम क्रोमोजोम पे हैं, उनके पास चॉइस नहीं है आर को कैपिटल आर को वाई के साथ रहना है स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ रहना ही है यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ नहीं जा सकता कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ नहीं जा सकता क्योंकि ये सारे जीन्स क्या हैं सेम क्रोमोजोम के हैं मैं क्या बोल रहा हूँ अगर जीन्स सेम क्रोमोजोम पे होंगे तो उनके पास इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं होगी अगर जीन सेम क्रोमोजोम पे है कोई इंडिपेंडेंट चॉइस नहीं है हाँ इंडिपेंडेंट चॉइस कब होगी अगर जीन अलग अलग क्रोमोजोम पे है ये अच्छे से बात आप समझ लेना चाहिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर जीन अलग अलग क्रोमोजोम पे है जैसे यहां पे मैं चार क्रोमोजोम बनाता हूं अगर एक पे आर है एक पे वाई है एक पे स्मॉल आर है एक पे स्मॉल वाई है तो यहां पर होगा देखो भाई इंडिपेंडेंट असॉलो यहां पर होगा इफ जीन आर लोकेटेड ऑन सपरेट क्रोमोजोम इंडिपेंडेंट असार्टमेंट आकर यह भी लिख लीजिए वेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन सपरेट क्रोमोजोम्स वेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन सपरेट क्रोमोजोम्स इंडिपेंडेंट असार्टमेंट आकर जब आप फ्रेंड्स बना रहे हैं जब आप फ्रेंड्स बना रहे हैं तो आपके पास इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है आपके पास फुल फ्रीडम है आप किसको फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं किसको फ्रेंड नहीं बनाना चाह रहे हैं या आपके पास फुल इंडिपेंडेंट चॉइस है लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं है ब्रदर सिलेक्शन में आपके पास कोई चॉइस नहीं है ब्रदर सिलेक्शन में फ्रेंड सिलेक्शन में चॉइस है ब्रदर्स आपको मानना पड़ेगा ये मेरा भाई है खत्म अब उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते बदल नहीं सकते लेकिन फ्रेंडशिप पे ऐसा नहीं है बदल सकते हैं आप ठीक है बाई बर्थ आपको मानना पड़ेगा ये मेरा भाई है हमेशा के लिए तो जो जीन सेम क्रोमोजोम पे हैं वो लिंक हैं ये ब्रदर्स हैं अलग नहीं हो सकते हाँ अलग अलग क्रोमोजोम पे हैं तो बिल्कुल इनके पास क्या है फुल चॉइस है इन्हें वाई के साथ भी फ्रेंडशिप बना सकता है स्मॉल वाई के साथ भी बना सकता है सो दिस इज वॉट इंडिपेंडेंट असार्टमेंट एंड लिंकेज बोल के याद रखेंगे जहां पर लिंकेज होगा वहां पर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं है ऐसा है अंडरस्टूड है बात ये वेर एवर लिंकेज आकर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नॉट आ एवर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट आकर लिंकेज डू नॉट आकर ऐसा है और एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीआरटी में अगर हम टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे एक फ्लावर है मान लीजिए एक फ्लावर है कुछ ऐसा एक फ्लावर है इतना कॉम्प्लिकेटेड फ्लावर क्यों ड्रॉ करेंगे सिंपल फ्लावर ड्रॉ करेंगे एक फ्लावर है मान लो ये वाइलेट फ्लावर है और डोमिनेंट है जीनो टाइप क्या है इसका अननोन है ऐसा क्यों कुछ भी हो सकता है ना जीनोटाइप डोमिनेंट का जीनोटाइप कुछ भी हो सकता है अगर आप टॉल हैं अगर आप टॉल हैं हैं टॉल मतलब आप डोमिनेंट डोमिनेंट तो का जीनोटाइप क्या होता है कैन यू गारंटी दैट यू आर कैपिटल टी कैपिटल टी टाइप और कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप कैन यू गारंटी नहीं बोल सकते हमेशा इसका मतलब ये वाइलेट फ्लावर एक डोमिनेंट कैरेक्टर है तो हो सकता है इसका जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू होगा क्या पता पता नहीं या हो सकता है इसका जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है नहीं मालूम मुझे आया समझने टॉल का जैसा नहीं समझ नहीं आता ना हमार को टॉल का जीनोटाइप आप हंड्रेड परसेंट गारंटी दे सकते हैं कौन सा होगा नहीं बता सकते करेक्ट टॉल में भी कैपिटल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी

होमोजाइगस रेसेस्यू और रेसेस्यू मतलब व्हाइट फ्लावर रहना चाहिए है ना वाइट फ्लावर होना चाहिए और रेसेस्यू का जीनोटाइप क्या रहता हमेशा बोलो नोन रहता रेसेस्यू का जीनोटाइप नॉन नोन है स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू जो डार्फ हैं जो लोग डार्फ हैं उनका जीनोटाइप हमेशा मालूम है उनको वो स्मॉल w स्मॉल w है। और जो डोमिनेंट है उनका जीनोटाइप पता नहीं है गारंटी नहीं बोल सकते हम ठीक है अभी दोनों को क्रॉस करो ये कैपिटल w कैपिटल w और ये स्मॉल w स्मॉल w तो ये स्मॉल w स्मॉल w बनाएंगे गैमेट्स स्मॉल w स्मॉल w इनसे बनेगा गैमेट कैपिटल w कैपिटल w ठीक है तो ये गैमेट्स बन गए यहाँ पे एक छोटा सा पुन्नेट स्क्वायर बना लेंगे हम यहाँ पे ये स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लिख दिया मैं एक तरफ एक तरफ कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू लिख दिया ठीक है ना क्रॉस करना है ना तो ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मतलब वाइलेट फ्लावर ए कैपिटल डब्ल्यू आ गया तो वाइलेट आएगा ना कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाइलेट कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाइलेट कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाइलेट समझे तो मैं यहां लिख सकता हूं ऑल प्रोजनी आर वाइलेट फ्लावर वाइलेट फ्लावर हेंस स डोमिनेंट पेरेंट वॉस डोमिनेंट पेरेंट पैरेंटवास मतलब मुझे इसका जीनोटाइप अननोन था जीनोटाइप अननोन था ये डोमिनेंट पेरेंट वॉस कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है ऐसे ही यहां पर क्रॉस करो और एक होमोजाइगस रेसेसिव के साथ और एक होमोजाइगस रेसेसिव ले लो रेसेसिव फिर एक बार व्हाइट फ्लावर ही ले लो और यहां पर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ले लो करेक्ट तो यहां पर फिर एक बार दो टाइप के कैमरेट बनेंगे एक में कैपिटल डब्ल्यू होगा एक में स्मॉल डब्ल्यू होगा यहां पर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा फिर एक बार यहां पे पुनेट स्क्वायर बॉक्स बनाओ स्मॉल पुनेट स्क्वायर बॉक्स लिखो यहां पर एक कैपिटल W है एक स्मॉल W है यहां पर एक स्मॉल W है स्मॉल W है अब क्या होने वाला है कैपिटल W स्मॉल W वाइलेट कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाइलेट स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाइट स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाइट इसका मतलब क्या हुआ दैट मीन्स देर फोर डोमिनेट पेरेंट डोमिनेट पेरेंट जो था यहां पर वॉज हिट्रोजाइगस वेदर डोमिनेंट पेरेंट इज हिट्रोजाइगस और होमोजाइगस फाइंड आउट करना है तो मैं कौन सा क्रॉस करूंगा टेस्ट क्रॉस करूंगा समझे अब एनसीआरटी में इतना सब कॉम्प्लिकेटेड करके बताया है लेकिन बात बहुत आसान है बात बहुत आसान है ये क्रॉस कौन सा है टेस्ट क्रॉस है बल्कि मालूम है ना आपको ये नंबर वन पॉइंट इट इज अ टेस्ट क्रॉस आप बोलेंगे व्हाट इज टेस्ट क्रॉस टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस बिटवीन ए डोमिनेंट पेरेंट विथ अनोन जीनो मैं टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन लिखा है क्रॉस बिटवीन यथ रेसेसिव पेरेंट यफ वन विथ रेसे पेरेंट दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा है डॉमिनेंट प्लैंट विथ अनोन जीनो टाइप अगर आप डोमिनेंट हैं और मालूम नहीं है कौन से डोमिनेंट है मे बी होमोजेगस डोमिनेंट और हिट्रोजेगस डोमिनेंट, टू फाइंड आउट दैट वी कंडक्ट विच टेस्ट क्रॉस ओके क्लियर है ना अब ये एनसीआरटी में डायग्राम है ये टेस्ट ये क्रॉस है बोल के बोलने आना चाहिए आपको बोल सकते हैं ना नो डाउट इन दिस ओके okay. अभी यही क्रॉस अब मैं यही समझाने वाला हूं बाय टेकिंग अनदर एग्जांपल सपोज देर इज ए टॉल प्लांट सपोज देर इज ए टॉल प्लांट एंड इट मे बी कैपिटल टी कैपिटल टी टाइप और इट मे बी कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप आई डोंट नो इसको कन्फर्म करने के लिए मैं किसके साथ क्रॉस करूंगा डॉ प्लांट के साथ उसका जीनोटाइप कंफर्म है स्मॉल टी स्मोल्टी मतलब जो लोग रेसेसिव है।, लो है उनका जीनोटाइप कन्फर्म है जो लोग डॉमिनेंट है स्मॉल टी स्म टी small t, small t से क्रॉस करूंगा तो इनके सारे बच्चे टॉल ही आने वाले हैं ऑल टॉल अगर सारे बच्चे ऑल टॉल आ गए मतलब ये टॉल प्लांट क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट है और अगर हिट्रोजस टॉल वाले हैं और अगर मैं क्रॉस कर रहा हूं इसको के साथ तो यहां पर आ, क्या आएगा एक टॉल आएगा और एक डॉर्फ आएगा एक टॉल आएगा एक डॉर्फ आएगा वन इज टू वन के रेशियो में वन इज टू वन के रेशियो में आएगा सो दैट मीन्स so we can find out the genotype of dominant plant with unknown genotype, maybe homozygous or heterozygous can be detected by conducting test cross. अगर सारे progeny dominant आ रहे हैं, violet flower आ रहे हैं, अब आपको violet बोलने में ज़रा समझने नहीं आ रहा होगा, tall का तो समझने आ रहा है ना, वो ये tall की जगह अगर मैं violet लिखूँ और सारे बच्चे वायलेट आ रहे हैं मतलब होमो डोमिनेंट है वो समझ नहीं आ रहा आपको सो व्हाट इज योर कंक्लूजन कंक्लूजन ये आया कंक्लूजन ये है टेस्ट क्रॉस इज कंडक्टेड टेस्ट क्रॉस इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट होमो जाइगोसिटी और हिटिरोजाइगोसिटी होमोजाइगोसिटी और हिट्रोजाइगोसिटी ऑफ डोमिनेंट प्लांट और रेसेस्यू प्लांट डोमिनेंट रसेस्यू का तो मालूम ही है उसको क्या टेस्ट करना है डोमिनेंट प्लांट दिस इज द कंक्लूजन नंबर वन कंक्लूजन नंबर वन सेकेंड कंक्लूजन डोमिनेंट कैरेक्टर कब आता है कब एक्सप्रेस होता है डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन और हिट्रोजेगस कंडीशन और बोथ डोमिनेंट कैरेक्टर सेकेंड कंक्लूजन हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस इन बोथ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगोसिटी और हिटिरो दोनों में कैरेक्टर दिखाता है ये जैसे कि एग्जांपल कैपिटल टी कैपिटल टी भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है दोनों टॉलिच हैं मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर दोनों कैरेक्टर में दिख रहा है होमोजाइगोसिटी में भी हिटिरो जैगोसिटी में सेकंड कंक्लूजन थर्ड कंक्लूजन थर्ड कंक्लूजन क्या है सेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस ओनली इन हेड्रोजेगोसिटी रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस ओनली इन होमोजेगस कंडीशन ओनली इन होमोजेगस कंडीशन दूसरा कंडीशन पॉसिबल नहीं है ओनली इन होमोजेगस कंडीशन कैरेक्टर एक्सप्रेस ओनली इन होमोजेगस दूसरा पॉसिबिलिटी नहीं है है तो बता दो स्मॉल टी स्मॉल टी में ही होमोजेगस कंडीशन में ही रेसेसिव कैरेक्टर दिखेगा क्या बात समझने आ रही है आपको ये सारी चीजें आप ये डायग्राम ये क्रॉस जो था एनसीआरटी में जरूर देखेंगे हुँ? सब लोग कंपल्सरी आफ्टर दिस आगे बढ़ेंगे अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस जाने से पहले जाने से पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस जाने से पहले एक नोट लिखेंगे मेंडल के तीन लॉस ठीक है मेंडल के तीन लॉस लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट पहला लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल वो केस ठीक था भाई वो टॉल डार्फ का केस ठीक था टॉल डार्फ में डोमिनेंस दिख रहा था होगा आपको टॉल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया तो मैं बोला कैपिटल टी स्मॉल टी आया तो मैं बताया आपको कैपिटल टी डोमिनेंट है बड़ा भाई है और स्मॉल टी रेसेस्यू है छोटा भाई है एंड रेसेस्यू हैज टू तो रिमेन साइलेंट बोला था मैं बताया था ना तो क्या ये डोमिनेंस हर जगह चलेगा क्या हमेशा बड़ा भाई का कैरेक्टर दिखाते रहेगा छोटा भाई का कब दिखाना फिर कैरेक्टर को समझने आगे आपको समझने इसका मतलब डोमिनेंस चलेगा कुछ हो सकता है कुछ एग्जाम्पल डोमिनेंस के होंगे लेकिन डोमिनेंस हमेशा नहीं चलेगी समझने आ गया अगर बड़ा भाई ज्यादा कैरेक्टर दिखा रहा है ठीक है छोटा भाई देखेगा पहले देखेगा 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 एक दिन रिवर्स हो जाता नहीं आ गया तो डोमिनेंस हमेशा नहीं चलने वाला है यहां पर मेंडल फेल हो रहा समझ गए मेंडल के लॉ फेल हो रहा है यहां पे खुश होना चाहिए ना कोई फेल हो रहा है ना मेंडल का लॉ फेल हो रहा है डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल और को, क्या है भाई अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं इंडिपेंडेंट असार्टमेंट भी यूनिवर्सल नहीं है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के लिए एक्सेप्शन बताया मैं इंडिपेंडेंट असार्टमेंट इंडिपेंडेंट असार्टमेंट इज आल्सो नॉट यूनिवर्सल हमेशा डोमिनेंस चलेगा गलत हमेशा इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होगा गलत होगा कभी होगा ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि कहीं पे इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हो रहा है कहीं पे डोमिनेंस हो रहा है मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डोमिनेंस हमेशा फेल है बल्कि मैं क्या लिख रहा हूं डोमिनेंस इज नॉट हमेशा नहीं चलेगा चलेगा कुछ जगहों पे चलेगा हाँ फिर क्या है बचा और एक लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑलवेज करेक्ट इज ऑलवेज करेक्ट और ये यूनिवर्सल भी है एंड इट इज यूनिवर्सल ये यूनिवर्सल भी है हमेशा ट्रूथ है ये बात के सग्रीगेशन होने वाला है सेक्शन डिविजन होने वाला है यह ट्रूथ है समझ में आ गया अगर कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में है इसका मतलब वो हमेशा साथ में नहीं रहेंगे हमेशा साथ में रहेंगे ट्रूथ नहीं है ये गैमेट बनते वक्त ये अलग अलग चले जाते हैं एक में कैपिटल टी जाता है एक में स्मॉल टी जाएगा ऐसा कोई केस है तो बताओ आप जहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जा रहे हैं गैमेट में नहीं है ऐसा एक्सेप्शन ही नहीं है मतलब सेग्रीगेशन हमेशा हमेशा के लिए सही है लेकिन डोमिनेंस हमेशा हमेशा के लिए सही नहीं है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट हमेशा हमेशा के लिए सही नहीं है ठीक है तो इसलिए हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहां पे अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए टॉपिक है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्योंकि डोमिनेंस हमेशा नहीं चलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है वह इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल फ्लावर कलर इन एंटी रिनम मेजस एंटी मेजस ठीक है एंटी मेजस या नहीं तो इसको कॉमनली स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं क्या बोलते हैं स्नैप ड्रैगन प्लांट भी बोलते हैं या नहीं है तो और एक एग्जाम्पल भी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फ्लावर कलर इन फोर ओ क्लॉक प्लांट मेराबिलिस मेराबिलिस जलप्पा तो ये जो दो केसेस हैं ये दो केसेस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने मिलेगा हमारे डोमिनेंस नहीं चलेगा इधर क्या चलेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखेगा ये था इनकम्प्लीट की एग्जाम्पल अभी हम पढ़ेंगे ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे होता है क्या है तो और आइडियाज हमें आएंगे टिल नाउ दिस इज क्लियर आगे बढ़ेंगे फोर ओ क्लॉक प्लांट बोलते हैं बिकॉज इट्स फ्लावर फोर पी एम फोर पी एम ओपन होते हैं ठीक है इनकम्प्लीट टू फ्लावर कलर चाहे एंटी रीनम हो या मेराबिलिस हो कितने फ्लावर कलर हैं? दो फ्लावर कलर हैं, मान लीजिए फ्लावर कलर दो हैं यहां पर एक रेड एक वाइट तो रेड इज कैपिटल आर कैपिटल आर व्हाइट इज स्मॉल स्मॉलर आप बोलेंगे डोमिनेंट कौन सा है इसमें रेड है रसेसि कौन सा है वाइट है अगर मैं रेड और व्हाइट को क्रॉस करूंगा तो एज पर मेंडल कौन सा कैरेक्टर आना चाहिए रेड आना एज पर मेंडल रेड आना चाहिए क्या वो रियल में आएगा वो देखेंगे हम मेंडल के हिसाब से क्या आना चाहिए रेड आना चाहिए ठीक है चलिए क्रॉस करके देखेंगे लेट्स टेक टू पी प्लांट लेट्स टेक टू एंटी प्लांट्स एंटी प्लांट्स वन हैविंग रेड फ्लावर अनदर हैविंग व्हाइट फ्लावर कौन सा फ्लावर ले रहा हूं मैं एंटी के ले रहा हूं एंटी के ले रहा हूं तो पी जनरेशन व्हाट इज पी जनरेशन पी मतलब पेरेंट जनरेशन पी फॉर पेरेंट जनरेशन रेड फ्लावर एक ले लूंगा मैं और एक वाइट फ्लावर ले लूंगा और इनके जो जीनो टाइप है जरा बताओ क्या रहेंगे रेड के लिए जीनो टाइप कैपिटल आर कैपिटल आर रहेगा व्हाइट के लिए स्मॉल आर स्मॉल आर रहेगा और इनको क्रॉस कर देंगे तो पहले गैमेट्स बनेंगे इससे कैपिटल आर इससे बनेगा स्मॉल आर ठीक है ये गैमेट्स बन गए अब ये गैमेट्स फर्टिलाइजेशन करेंगे कैपिटल आर स्मॉलर ये जनरेशन जनरेशन कैपिटल आर स्मॉलर आ रहा है ठीक है तो इसको सेल्फिंग करेंगे सेल्फिंग करेंगे ये रहे पिंक कलर फ्लावर्स कौन से पिंक कलर आए एस पर मेंडल कौन सा कैरेक्टर आना था यहां पर रेड आना था लेकिन यहां पर रेड भी नहीं आएगा व्हाइट भी नहीं आएगा यहां पे आएगा पिंक यहां पर आएगा पिंक और ये एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनंस का एज पर मेंडल रेड आना था लेकिन आया है पिंक देयर फोर इट इज इनकम्प्लीट डोमिन सारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं देखो नोट्स पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए

ऑथर बुक्स ना मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स हैं या दूसरे हैं नहीं वो सब काम के नहीं है आपके हाथ से लिखे सो नोट्स समझने आने के बाद लिखना क्योंकि समझने आया जाएगा मतलब हंड्रेड परसेंट हमेशा के लिए समझने नहीं आता वो रिवीजन की जरूरत होती है आगे तो आपको समझने आ गया एक बार एक बार समझ आ गया लिख दिए कभी भी रेफरेंस के लिए रहे तो हंड्रेड परसेंट आप मार्क्स जरूर लेंगे समझने आ गया आप लिखे कुछ भी नहीं लिखे कुछ भी नहीं समझने आ गया बाद में क्या होगा सिक्स मंथ्स के बाद कई कॉन्सेप्ट आपके माइंड से डिलीट हो जाएंगे कई कॉन्सेप्ट फिफ्टी परसेंट कॉन्सेप्ट ये सारा नहीं होना चाहिए आपके साथ गलती ये गलती मत करो ठीक है सीखने के दो रास्ते हैं खुद गलती करके सीखो खुद गलती करके सीखो लेकिन उतना टाइम नहीं है हमारे पास खुद गलती करना फिर सीखना फिर गलती करना फिर सीखना तो या नहीं तो दूसरों की गलती से सीखो उन्होंने क्या गलती करे थे एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ जो देखा हूं मैं नोट्स अच्छे रहना चाहिए सबके पास और ये बहुत यल्टी भी बैच के लॉन्ग टर्म बैच के जो है बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका थेरी एग्जाम तो हो गया है आप तो सिर्फ चार ऑप्शन है सिर्फ सर्कल लगाना है नोट्स की क्या जरूरत है ऐसा नहीं है नोट्स जरूरी है आपको सारे सब्जेक्ट्स के आप लिखना चाहिए हाथ से नोट्स चलिए अब ये जनरेशन को सेल्फिंग करेंगे गैमेट सेपरेट हो जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर ये गैमेट्स रेडी हैं अब क्या करना बोलो पुनेट क्या डालना चाहिए पुनेट स्क्वायर डालना चाहिए स्क्वायर बोलो जल्दी से पुनेट स्क्वायर एक तरफ मेल गैमेट्स लिख देंगे एक तरफ फीमेल गैमेट्स लिखेंगे एक कैपिटल आर स्मॉलर और एक प्लांट के भी कैपिटल आर स्मॉलर अब यहां पे कैपिटल आर कैपिटल आर गया तो क्या आएगा रेड क्या आएगा रेड कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक ये रेड ये पिंक आया है कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक स्मॉल आर स्मॉल आर व्हाइट So, ये इनकंप्लीट डोमिनेंस है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा वन इज टू टू इज टू वन क्योंकि एक रेड दो पिंक वन वाइट ये फिनोटाइप जीनो टाइपिक रेशियो क्या आएगा वन इज टू टू इज टू वन ठीक है तो यहां पे लिख देंगे हम फिनोटाइपिक रेशियो इनकंप्लीट डोमिनेंस का वन is टू टू is टू वन वन red, टू पिंक 1 वाइट और इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा फिर एक बार वन is टू टू is टू वन ही आएगा अच्छा फिनोटाइपिक रेशियो भी वन is टू टू is टू वन जीनोटाइपिक रेशियो भी वन is टू टू is टू वन जरा बोलो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या आया था रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया था वन जीनोटाइपिक रेशियो आया था वन इज टू इज टू वन लेकिन यहाँ पे दोनों सेम ही चार uh, हुआ वन कैप्टल आर कैप्टलर टू कैपिटल आर स्मॉलर और वन स्मॉलर स्मॉलर सो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम है अब क्वेश्चन आ गया एग्जाम में वेदर इनकंप्लीट डॉमिनेंस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस इट्स मोनोहाइब्रिड और डाहाइब्रिड इट्स मोनाहाइब्रिड और डाहाइब्रिड नन ऑफ दी अबो कौन सा लेते हैं इट इज मोनाहाइब्रिड इट इज मोनाहाइब्रिड वो कैसे वॉट इज मोनाहाइब्रिड डेफिनेशन मोनोहाइब्रिड का डेफिनेशन बताइए मोनोहाइब्रिड इज ए क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स डिफरिंग इन वन कैरेक्टर ऑफ कोर्स वन कैरेक्टर इज डिफरेंट वन रेड फ्लावर वन वाइट फ्लावर व्हाट इज रॉन्ग इट्स ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इनकम्प्लीट डोमिनेंस कौन सा क्रॉस है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बट गिविंग रिजल्ट्स अदर देन टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मैंडल टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मैंडल इट इज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस नो डाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है ये मतलब ये कुछ चीजें कंफ्यूजिंग थे ये क्लियर कर दे रहा हूं मैं आपको नंबर वन पॉइंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कौन सा क्रॉस है इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या मेंडल करेसो क्रॉस कुछ बोलना क्या मोनो हाइब्रिड हाँ मेंडल करेसो क्रॉस कुछ बोलना क्या मोनो हाइब्रिड अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस अलग करता हूँ हाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड इन बर्ड्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स में या एनिमल में मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा रहा हूं मैं तो उसको मोनो हाइब्रिड नहीं बोलूंगा मैं बोल सकते हैं मोनो हाइब्रिड बोल सकते हैं आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस ओके एंड इट इज ए डिवियेशन डिवियेशन टू मेंडलिजम मेंडल ने जो भी वर्क किया था दैट इज मेंडलिज्मीविएशन टू मेंडलिज्म इट इज गिविंग रिजल्ट अदर देन मेंडल इट इज ए डिविएशन टू मेंडलिज्म बिल्कुल बोल सकते हैं डिविएशन का मतलब क्या है डिविएशन मीन्स इट इज गिविंग रिजल्ट अदर देन मेंडल मेंडल को जो रिजल्ट मिले थे उससे अलायदा रिजल्ट मिल रहे हैं डिविएशन है विच रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज नॉट डिविएटेड फ्रॉम मेंडलिजम एग्जाम में क्वेश्चन आया विच रेशियो ऑफ इनकंप्लीट डोमिनेंस नॉट डिविएटेड

is is a case of, hence it is a case case of, of dominance, incomplete co-dominance, co -dominance, all of the above. It is a case of incomplete dominance. aap bolenge वो कैसा अगर मैं रेड को व्हाइट से क्रॉस कर रहा हूं तो पिंक आ रहा है दोनों भी parent के कैरेक्टर नहीं आना रेड भी नहीं आना व्हाइट भी नहीं आना कुछ और ही आना दोनों भी पेरेंट के कैरेक्टर अगर नहीं आ रहे हैं

देखो रेड और व्हाइट क्रॉस करे तो यहां बिल्कुल एक नया कैरेक्टर आया था देखने पिंक इट इज इनकम्प्लीट डॉमिनेंस ठीक है तो लिखेंगे हम यहां पर वेन नन ऑफ दी पेरेंट नन ऑफ दी पेरेंट कैरेक्टर

मेंडल डिस्कवर्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिल्कुल नहीं बोल सकते यहां तो मेंडल फेल हो रहा है मेंडल फेल हो रहा है फिर ये कौन दिए इनकम्प्लीट कोरेंस गिवन बाय कार्ल कोरेंस लिंकेज वाला टॉपिक खत्म नहीं हुआ है समझ लो लिंकेज तो अभी आज एक वर्ड दिया हूं मैं लिंकेज आएगा लिंकेज का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है आगे नेक्स्ट वीक चलेगा जस्ट आज वो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट आ रहा था उसका एक्सेप्शन पढ़ना था लिंकेज ये कार्ल कोरेंस का है तो एक टॉपिक और यहां पर तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो चुका है अब एक है ना कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बोल के लिखे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस इसका एक्सप्लेन कर देता हूं मैं उस समझा देता हूं एक्सप्लेनेशन आगे नोट्स लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस कैपिटल टी स्मॉल टी आप मुझे बताना है यहां पे स्मॉल टी वाई स्मॉल टी इज नॉट एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर तो यहां पे मैं बोलूंगा कैपिटल टी को नॉर्मल अनमोडिफाइड अलील बोलूंगा नॉर्मल अन अलील बोलूंगा स्मॉल टी को बोलूंगा मैं मॉडिफाइड अलील बोलूंगा मैं इसको स्मॉल टी को बोलूंगा मॉडिफाइड कैपिटल टी को बोलूंगा अनमोडिफाइड अलिल एंड हु इज एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर कैप्टिव कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी इज एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर स्मॉल टी इज नॉट एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर गिव रीजन तो बोलेंगे स्मॉल टी इज नॉट एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर कैपिटल टी इज एक्सप्रेसिंग द कैरेक्टर बिकॉज बिकॉज क्या लिखेंगे यहां पर कैपिटल टी एक्सप्रेस द कैरेक्टर capital T express the character because because capital T is producing normal enzyme normal enzyme capital T is producing enzyme आपको मैं बता रहा हूं कि कैपिटल टी क्यों कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग एनजाइम रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग सबस्ट्रेट कन्वर्टिंग सबस्ट्रेट यस कोई सबस्ट्रेट है सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट कर रहा है ये कैपिटल टी दैट्स वाई कैरेक्टर इज एक्सप्रेसिंग स्मॉल टी इज नॉट ए एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर small t is not expressing character not expressing character small t is not expressing character because because maybe maybe it is producing it's producing non functional enzyme या तो ये नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या नो no एंजाइम बना रहा है नो एंजाइम एट ऑल और नो एंजाइम इसकी आगे कहानी मैं कल बताऊंगा सिंपल आप इतना याद रखो कैपिटल टी क्यों एक्सप्रेस कर रहा है कैरेक्टर ऐसा क्या है कैपिटल टी के पास तो कैपिटल टी के पास एंजाइम है स्मॉल टी क्यों एक्सप्रेस नहीं कर रहा कैरेक्टर क्योंकि उसके पास जो एंजाइम बन रहा है वो नॉन फंक्शनल है या वो एंजाइम बना रहा ही नहीं है दोनों भी दोनों भी है वही मे बी प्रोड्यूसिंग नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो no एंजाइम इतना लिख दो और आगे की कहानी में कल बताऊंगा और एक बार कैपिटल टीज एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर बड़ा भाई कैरेक्टर दिखा रहा है क्यों दिखा रहा है क्योंकि वो एंजाइम बना रहा है और छोटा भाई कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस कर रहा है क्यों नहीं कर रहा हो सकता है वो एंजाइम ही नहीं बना रहा होगा या एंजाइम बन रहा है तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा पता नहीं हमें पता नहीं है हो सकता है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है या, या एंजाइम बना रहा ही नहीं है इसके आगे के जो है कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे टमोरोके थैंक यू लिख लीजिए